राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ नरेंद्र गुलेरिया ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणों की हरजन बस्ती का दौरा किया तथा लोगों को मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। नरेंद्र गुलेरिया ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से देश भर में लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। देश के 100 जिलों से 100 करोड़ तक ये अभियान शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की विवाह से लेकर पढ़ाई तक की चिंता समाप्त हुई है। इसके तहत पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक खातों में 11,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी नीतियों की सराहना की है। गुलेरिया ने आने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी के साथ चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को देश के ऐसे प्रधानमंत्री बताया है जो कि ईमानदार है तथा उनकी सभी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना व इसके फायदों के बारे में समझाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।